नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद शर्मा, जो पेशे से चिकित्सक हैं, एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, भूगोल तथा विज्ञान में प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं, शिक्षण का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़े गाइड के रूप में भी काम करते हैं। आज छात्रों की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं हो रहा है और छात्र इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, तो कुछ ऐसे तथ्य बताइए कि छात्र को डिप्रेशन से निकाला जा सके, या अगर उनको गाइडलाइंस को फॉलो करें तो उसका डिप्रेशन कम हो सके। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आज वर्तमान की जो समस्या है, जैसे कि आप देखें कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बहुत सी परीक्षाएं हैं जिन्हें वो डिले कर रहे हैं आयोजन करने में। जैसे हम कोरोना पीरियड के पहले भी देखें तो भी परीक्षाएं देर से आयोजित हो रही थी, रीट की हैं, पटवार की हैं, इवन जो आरपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा, उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। 2 साल से वैकेंसीज भी नहीं आई हैं। क्या होता है सर कि इसका जो बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा सक्रिय कम होना। और अगर आप देखें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को कंपेयर करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी पिछले 1 साल में 2 बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लिए हैं, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक पिछले 2 साल में एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं किया है। इसके अलावा हम देखें कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें आए दिन प्रतिदिन हर किसी न किसी विवाद पर, किसी न किसी मुद्दे पर उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता है और फिर हाई कोर्ट रीट लगाता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है राजस्थान पब्लिक लोक सेवा आयोग के अंदर कि आरपीएससी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप निर्धारित नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी न्यायिक अवलोकन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, जुडिशरी रिव्यू से आप खुद को बचा सकें। मतलब कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों में बहुत खामियाँ हैं जिनका भुगतान स्टूडेंट्स को किसी न किसी लेवल पर करना पड़ रहा है। दूसरा, आपने कहा कि डिले हो रहा है, चलिए वो तो डिले हुआ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो बच्चा अपने घर से अपने माता पिता को 1 साल का समय देकर आता है कि मैं 1 साल तैयारी को देना चाहता हूँ, और फिर वो जब वो पूरा 1 साल तैयारी करता है और जब उसको लगता है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, कुछ भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं किसी भी क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है उसका डिप्रेशन में आना एक आम बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। परंतु क्या है सर कि डिप्रेशन आना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों को इस क्षण को सकारात्मक रवैये में लेना चाहिए। जैसे कि उन्हें लगता है कि अभी वैकेंसी लेट है, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो तैयारी तो सबका सेम रहता है, मटेरियल सबका सेम रहता है, प्रिपरेशन का सिलेबस लगभग सेम रहता है, तो जिस भी एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलती है उस एग्ज़ाम का उसे फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि विद्यार्थी को ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम से कैसे लड़ा जाता है, एग्ज़ाम का फोबिया क्या होता है, एक रियल एग्ज़ाम प्रेशर, एक एग्ज़ाम जो हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है इन द रूम, वो एग्जामिनी को, परीक्षार्थी को पता चलेगा। इसके अलावा जो उसका डर है बार बार एग्ज़ाम से डरने का, एग्ज़ाम से भयभीत होने का, वो निकलेगा। इसके अलावा डिप्रेशन से बचने के लिए युवा जो है वो, मैं मानता हूँ कि इस संसार में ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति जो रचनाएं हैं वो स्त्री हैं। तो युवा अपनी बहन से, अपनी माता से, या अपनी उसकी कोई मित्र हो, महिला मित्र हो, उनसे वो इस बारे में चर्चा कर सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाएं थोड़ी भावनात्मक रूप से सशक्त और मजबूत होती हैं। तो आजकल आप देखिए कि इतने सारे डिप्रेशन के केस आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रेयरली 100 में से कोई 1 या 2 महिला होती है जो आत्महत्या करती है डिप्रेशन से। अधिकतर आत्महत्या करने वाले आंकड़े देखें तो पुरुष के आंकड़े ही होते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के पास किसी भी स्ट्रेस को बियर करने की कैपेसिटी पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, और भावनात्मक रूप से, इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो बच्चों को अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, या अपनी कोई महिला मित्र है उनसे बार बार चर्चा करता रहना चाहिए, ताकि उसका जो डिप्रेशन का जो फेज है वो निकले। एक्चुअली क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि दिमाग में एक केमिकल होता है जिसका नाम है सीरोटोनिन। उस सीरोटोनिन की मात्रा हमारे दिमाग में कम हो जाती है। अच्छा। और नेचुरल जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने से, या फिर योगा करने से, सुबह जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, एक हेल्दी डाइट लेने से, या फिर आप किसी से अच्छी बात करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो भी पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, तो भी सीरोटोनिन माइंड में बहुत एक्सेसिव सीक्रेट होता है,
और जब सीरोटोनिन माइंड में ज़्यादा आएगा तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो चिंताग्रस्त विकार जो इस समय बच्चों को देखने जिनको मिल रहे हैं, वो डेफिनेटली उनकी संख्या जो है उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और बच्चों को इस परिस्थितियों का एक नकारात्मक रूप में ना लेकर सकारात्मक रूप में इस अवसर को बुनाना चाहिए कि हमें और समय मिला, हम और तैयारी करें ताकि जब परीक्षा हो तो निश्चित रूप से ना केवल सफल हो बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेकर अपने जीवन को बढ़ाए। एक मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि पाठ्यक्रम की अधिकता के कारण बच्चा बहुत डिप्रेशन में रहता है, वो इस बात को लेकर बहुत समस्याग्रस्त रहता है कि इतना पाठ्यक्रम में इसको याद नहीं कर पाता, तो ऐसे हालातों में बच्चा क्या करे? उसकी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि पाठ्यक्रम वो याद नहीं रख पाता है, इतना पाठ्यक्रम वो एक सब्जेक्ट पढ़ता है दूसरा भूल जाता है, तो अपने माइंड को व्यापक बनाने के लिए वो छात्र क्या करे? देखिए, जो पाठ्यक्रम आरपीएससी ने कंडक्ट किया है, जो पाठ्यक्रम आरपीएससी ने अलॉट किया है, उस पाठ्यक्रम का विषय है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन के विषय के अंदर बच्चों को विज्ञान, गणित, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, भूगोल और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज आपके मंच से ये बात कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत की कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो किसी अन्य स्टेट की हो, चाहे भारत की हो, सभी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन का पेपर रहता है उस सामान्य अध्ययन के पेपर में केवल बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और उन बेसिक क्वेश्चन केवल आते कहाँ से हैं? तो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताबों से, जिन्हें आप अपने स्कूल में पढ़कर आ रहे होते हैं। बेसिक अच्छा बनाए, बेसिक अच्छा बनाए। और दूसरा आप देखें कि जैसे आप देखें कि अभी आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखें तो यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। अब इसका आंसर कक्षा 9 की एनसीईआरटी में आपको एक पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वहां आपको मिल जाएगा। हूबहू क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है कि विच चैनल सेपरेट फ्रॉम निकोबार आइलैंड टू फ्रॉम अंडमान आइलैंड, कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अब बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आता है, क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे की मानसिकता यह है कि अगर मैं अच्छी कोचिंग में नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं स्टैंडर्ड किताबें नहीं पढ़ूंगा तो मेरा नॉलेज, मेरा सिलेक्शन बहुत खतरे में है। जबकि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आप बेसिक तैयार करें और बेसिक को इतना मजबूत करें कि आप आने वाली किसी भी स्टैंडर्ड बुक को अगर आप टच भी ना करें तो आप बेसिक के दम पे ही सिलेक्शन गेन कर लें। क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो मूल मंत्र होता है वो ये होता है कि बच्चे को उसकी विषय की, जो विषय आप एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, उस विषय की बेसिक गहराइयों में बच्चे को वो उतारना चाहता है। तो ये बड़ी समस्या रहती है पाठ्यक्रम को लेकर, बच्चे जानबूझ के पाठ्यक्रम को काफी लेंथी बनाते हैं। दूसरा, बच्चों में क्या फेज देखा गया कि बच्चे जो है आज के समय में पेंडुलम जो है वो पेंडुलम स्टडी कर रहे हैं। पेंडुलम स्टडी क्या है सर? जैसे मान लीजिए आज एक सिविल सर्विस का तैयारी करने वाला बच्चा है या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है तो वो क्या करता है कि पॉलिटी की बुक उठाता है, लक्ष्मीकांत, चार दिन तक वो लक्ष्मीकांत के तीन चार चैप्टर रीड करता है, पढ़ता है अच्छे से, फिर चाय की थपड़ी टपड़ी पे जाता है, चाय की टपड़ी पे अपने दोस्त के साथ बैठता है, तो उसका दोस्त उसको कहता है कि लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक डीडी बसु है। तो उस बच्चे ने क्या किया, लक्ष्मीकांत को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और उसने पिक कर ली डीडी बसु की किताब। ठीक है, तो जब उसने डीडी बसु का किताब पिक किया और डीडी बसु का किताब पढ़ने लगा और जब 5-6 दिन बाद वो अपने फिर किसी और दोस्त से, किसी और टीचर से यूट्यूब पे वीडियो देखता है तो उसको पता चलता है कि डीडी बसु से अच्छी किताब सुभाष कश्यप की है, तो उसने डीडी बसु को वहीं ड्रॉप किया और उसने सुभाष कश्यप उठा ली। अब आप देखिए, बच्चा ना तो लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ पाया, ना वो डीडी बसु को पूरा पढ़ पाया, ना वो सुभाष कश्यप को पूरा पढ़ पाया, और वो एक पेंडुलम की तरह रह गया। जैसे पेंडुलम मूव करता है तो पेंडुलम की तरह मूव करता रह गया। तो किसी भी एग्जाम में सफलता का दो ही मंत्र होता है, एक होता है बार बार मल्टीपल रिविजन्स करना। और रिविजन्स तब होते हैं जब आप एक ही किताब को अच्छे से पढ़े, आप लक्ष्मीकांत को पढ़े, उसको 7-8 बार उसके रिविजन्स कर डालें, फिर आपको डीडी बसु या सुभाष कश्यप कोई भी किताब पढ़ने का नीड नहीं है। या फिर आप डीडी बसु पढ़ें तो आप इन दो बुक्स को ना पढ़ें, केवल आप एक ही बुक पे रहें, मतलब जो प्राचीन सभ्यता थी कि एकेश्वरवाद, उसमें आप विश्वास करें। और इन सब को पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं जिनमें बेसिक्स हैं, या फिर आपका बोर्ड जैसे राजस्थान बोर्ड स्टेट एजुकेशन आरबीएससी की किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पाठ्यक्रम की जो व्यापकता है उसको एक सीमित दायरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण रूप से उसको सहज ही स्वीकार कर सकते हैं। एक छात्र ये समस्या बताते हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो गत अनेक वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज तक किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे,
लेकिन उनके मन में ये रहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कहीं सफल हो जाऊँ। इसके पीछे क्या कारण है? उन छात्रों के लिए आप कोई ऐसा गाइड स्टेटमेंट देना चाहें जो उनको प्रेरणा दे सके। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में जो बच्चा वास्तविकता में आपको दिख रहा है, यस सर, वो अगर आप उसका अध्ययन करें उस बच्चे का, तो आपको लगेगा कि उसके कंधों पे अनावश्यक संभावनाओं का, अनावश्यक मतलब एक तरह से कहें तो आकांक्षाओं का बोझ गिरा हुआ है। यस सर। जैसे कि परिवार में आगे बढ़ने की होड़, यस सर, कि मैं अपने परिवार में आगे बढ़ूँ, समाज में आगे बढ़ने की होड़, मैं समाज में आगे बढ़ूँ। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं देख रहा हूँ आज निरंजन जी की, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि सर मेरा पड़ोसी जो है उसका आईआईटी में 103 रैंक था तो मेरा तो आईआईटी में 102 रैंक आना चाहिए। अरे आप कंपेयर ना करें। क्या कभी सूरज और चंद्रमा अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो दोनों की क्वालिटी का कितना ह्रास होगा? लेकिन दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। यस सर। सूरज दिन में चमकता है, चंद्रमा रात को चमकता है। तो हर व्यक्ति विशेष होता है, हर बच्चा विशेष होता है। अब कोई भी एग्जाम का सिलेक्शन आपकी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकता। अगर आप NSSO राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट को देखें तो 2016 में एक वक्तव्य आया था कि भारत के युवा डिग्री धारक तो हो रहे हैं, यस सर, परंतु वे डिग्री धारक बेरोजगार हैं, अकुशल हैं, नॉन स्किल्स हैं। यस सर, बहुत अच्छा। तो ऐसे डिग्री का क्या फायदा कि जो आपको कुशलता ना दे पाए, स्किल्स ना दे पाए। और दूसरा निरंजन जी, जो ये आपने अच्छा प्रश्न बोला कि उनके मन में ये विचार है कि मैं बार बार परीक्षा दूं, मैं बार बार इस परीक्षा को पास करूं, ये होना चाहिए। yes, क्योंकि आप किसी भी चीज़ से कभी हार नहीं सकते। yes, बार बार लड़ने की स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन उस लड़ने की स्पिरिट में अपने मन को तनाव से, डिप्रेशन से, अवसाद से मुक्त रखना है। yes, भाई आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता विश्व की सबसे बड़ी और महान ग्रंथ है। yes, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध में परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। yes, sir. तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, तुम कर्म की बात करो, तुम परिणाम की तरफ क्यों भाग रहे हो? तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जिस दिन वो एग्जाम देने जाए, yes, उस दिन वो अपने आप की नजरों में नजर डाल के कह सके कि मुझे जितना प्रयास करना था मैंने उतना कर लिया, दैट्स इट। Yes, अब परिणाम ऊपर वाला देखेगा। सकारात्मक हुआ तो वेल एंड गुड, नकारात्मक हुआ तो आपके पास अनुभव है। yes, उस एग्जाम में हारने का। और बताऊं मैं आपको, हारने वाला ही जीतने की असली वजह होता है। क्यों? क्योंकि कोई हारता है तभी तो कोई जीतता है। ये बात है। yes, एक मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अगर ये प्रारूप यूं का यूं पारित हो जाता पार्लियामेंट में, तो क्या ज्यादा बेहतर तरीके से कौशल विकसित कर पाएगा, रोजगार विकसित कर पाएगा? क्या छात्र इस शिक्षा नीति के माध्यम से निश्चित कर पाएगा कि मुझे किस रोजगार को चूज करना चाहिए? देखिए निरंजन जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका फिर से, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मंच के माध्यम से पूरे युवाओं को एक अच्छे प्रश्नों का, जो उनका युवाओं के जो प्रश्न होते हैं उनको आपने मुखौटा बन के आपने आज मुझे सुनाए ये सारे प्रश्न। देखिए, भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में आई थी। यस सर। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के समय आई। yes, और sir. तीसरी जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो 2020 में आई। देखिए, इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शिक्षा नीति वो फोकस करती है व्हाट पर नहीं, ये फोकस करती है हाउ पर। जी, मतलब इस शिक्षा नीति में अगर आप देखें तो बच्चे को क्या करना है, क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, इस पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं करा गया। yes, sir. उसका ध्यान केंद्रित करा गया है हाउ, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है। yes. तो जो एक अप्रोच थी हमारे अंदर की व्हाट, yes. उस व्हाट को एलिमिनेट करके वी आर गोइंग टुवर्ड अ अप्रोच टू द हाउ। एक तो ये अच्छा प्रावधान है। दूसरा प्रावधान ये है निरंजन जी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो वो साइंस विषय लेता है कक्षा 11-12 के। यस सर। अब एक साइंस वाला विषय जो बच्चा लेता है, और जब वो अपने किसी बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को जो पढ़ा रहा होता है घर में या किसी को भी, तो बच्चा जब उससे पूछता है कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध कब हुआ था, और वो पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक की इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या भूमिका थी, तो वो बोलता है कि बेटा मैं साइंस का हूँ, मुझे हिस्ट्री नहीं आती। यस सर। इस शिक्षा नीति में क्या करा गया कि अगर आप साइंस के हैं तो भी आप हिस्ट्री को चूज कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी को चूज कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स को चूज कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। मतलब साइंस के साथ आर्ट्स, आर्ट के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं निरंजन जी। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो
एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो होती है, बहुमुखी जो पहुंच होती है बच्चे की, उसको डेवलप करने का कोशिश किया गया है। एक मुझे सबसे अच्छी बात है शिक्षा नीति की ये लगी कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। जैसा कि जो स्टार्टिंग का 5 ईयर का जो पैकेज है बच्चों का, कि 2 साल फाउंडेशन, 3 साल फाउंडेशन, फिर 2 साल उनका जो नर्सरी लेवल का स्कूलिंग होता है, कि वो शिक्षा बच्चों की क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। और उन क्षेत्रीय भाषाओं का तात्पर्य यह है कि बच्चे को रूट से जोड़ के रखना, उसको अपनी जड़ों से बांध के रखना। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा है IIT पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन भर सरकारी विद्यालय से पढ़ा, अचानक उसका IIT में सिलेक्शन हो गया, वो बॉम्बे गया, उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अब वो परमानेंटली अमेरिका में फेसबुक के लिए काम कर रहा है। तो उस ब्रेन को बनाया हमने, उस ब्रेन को डेवलप किया हमने, उस ब्रेन पे खर्चा किया हमने, और उसका पूरा जो फायदा है वो US ले रहा है, उसको ड्रेन करके ले गया, ब्रेन ड्रेन हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास भावनात्मक मजबूती नहीं थी, उसके पास इमोशनल ग्रिप नहीं थी अपनी मिट्टी से जुड़ने की। जबकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि बर्फ का मुकद्दर कितना ही हो, उसे पानी में ही मिलना होता है। तो बच्चों को अपनी रूट्स पे, अपनी जड़ों पे काम करना चाहिए और उनको अपनी रूट से बांध के रहना चाहिए, जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से बंधा हुआ रहता है मिट्टी के अंदर। तो जब आप क्षेत्रीय भाषाओं में अपना, जब आप ज्ञान लेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपके अंदर अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, कल्चरल और क्षेत्र की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमियां हैं, वो आपके हृदय में, आपके दिल में, मस्तिष्क में चिरजीवी काल तक जिंदा रहेंगी। क्योंकि बचपन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब आप जो चीज़ सीखते हैं वो आपके हृदय पे सीधा प्रहार करती है। तो इससे क्या होगा, अगर वो IIT भी पास करेगा तो उसका सपना होगा कि सर मैं गूगल के लिए या फेसबुक के लिए काम ना करके मैं इंफोसिस के लिए काम करूं, भले ही मुझे 2-3 पैसे कम मिले, परंतु मैं जो भी करूं अपने राष्ट्र के लिए करूं, अपने क्षेत्र के लिए करूं, अपने परिवार के लिए करूं, अपने घर के लिए करूं। तो इस शिक्षा नीति की एक क्वालिटी है कि इसने भारतीय युवाओं की जो ब्रेन ड्रेन की समस्या थी भारत की, उस समस्या पे कड़ा प्रहार किया है। और क्षेत्रवाद को भरने का मतलब होता है कि जब जब एक चारों तरफ से आप देखें कि आपके चारों तरफ का एक क्षेत्र जब डेवलप होगा, तो जब सभी क्षेत्र एक साथ प्रगति करेंगे, तो एक क्षेत्रों से मिलकर ही एक राष्ट्र, एक भूमि का जन्म होता है। तो जब एक सकारात्मक क्षेत्रवाद हर जगह से प्रादुर्भूत होगा, हर जगह एक पॉजिटिव रीजनलिज्म का जो प्रस्फुटन होगा, उस पॉजिटिव रीजनलिज्म सकारात्मक क्षेत्रवाद से एक सकारात्मक प्रबल राष्ट्रवाद की भूमिका का प्रादुर्भाव पूरे समाज में एक विख्यात रूप से होता चला जाएगा, जिससे बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना ओतप्रोत होती रहेगी। और यही पंडित बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का एक बड़ा स्वप्न था, जिसे हम साकार कर सकते हैं। तो ये शिक्षा नीति एक तीर अनेक लक्ष्यों पर प्रहार करने वाली है, और अब प्रार्थना यही है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसका अनुमोदन किया जाए और इसको कानून बनाकर इसको पारित किया जाए, ताकि इसकी जो इसका जो दायरा है, इसकी जो व्यापकता है और इसकी जो प्रभाविता है, उसको मजबूत किया जा सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं संदेश अपनी तरफ से आज आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को देना चाहता हूँ कि देखिए, डिप्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। आज मैं क्या देखता हूँ, किसी लड़के का कोई ब्रेकअप हुआ तो वह सुसाइड कर रहा है, उसकी नौकरी छूटी वो सुसाइड कर रहा है। अभी आप देखें, 2 दिन पहले एक लड़के का क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद वो 18-17 साल का लड़का था मुंबई की तरफ से, उसने सुसाइड कर लिया। देखिए, अगर हत्या ही, खुद की हत्या ही सभी समस्याओं का समाधान होती, तो शायद आज इस राष्ट्र पर, इस भूमि पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता। समस्या जिंदगी में सबके साथ है, आप समस्याओं से लड़ें, उनका सामना करें, उसमें आपकी जीत है। डिप्रेशन, सुसाइड, मैं मानता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि ये ना करें, वो ना करें, लेकिन खुद को इतना परिपक्व बनाएं कि किसी दूसरे के व्यवहार से आपके जीवन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना गिरना चाहिए। दूसरा आपके जीवन में आए तो भी आपकी खुशियाँ केवल आपकी वजह से रहे, और दूसरा जाए तो भी आपकी खुशियाँ केवल आपके वजह से रहे। इसलिए मैं कहूँगा युवाओं से कि वे वापस से अध्यात्म की तरफ लौटें। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं अपने व्यवहार को स्वयं से नियंत्रित करता हूँ, किसी दूसरे के मेरे जीवन में आने से या मेरे जीवन से किसी के निकल जाने से मेरे चरित्र पर, मेरे व्यवहार पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या पता उस लड़के का जो सिलेक्शन नहीं हुआ Under-19 में या जिसमें भी, क्या पता उसका सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हो जाता, ये भी तो हो सकता है। तो आध्यात्मिक तरफ जाएं, योगा को अपनाएं, सुबह एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, और हाँ, अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर और अपनी महिला मित्र से अपनी समस्याओं को जरूर शेयर करें, वो आपको एक उचित समाधान देंगी। और मैं बताऊं आपको
जब आप अपने दिल की बात किसी को बताते हैं तो आपका दिल तो हल्का होता ही है, साथ ही आपको उस समस्या से लड़ने के 10 नए आयाम, डायमेंशंस और दिख जाते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए यहाँ पर, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।